सो गाइज, एज प्रॉमिस्ड, मैं आपके सामने मेन किरदार अपने घर का लेके आने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जैसे वो स्टोरेज बनाई, मंदिर बनाया, किचन बनाई, ये करा वो करा. सो हेयर वी आर एंड प्लीज़ वेलकम लवी अग्रवाल. हाय लवी, वेरी गुड. सो अब हम मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं. मंदिर में शी प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑब्वियसली संदीप का भी रोल था, बट लवी का बहुत बड़ा रोल था. सो लेट मी शो यू द मंदिर नाउ. सो इसके बारे में लवी आप बात करने वाले हो, मैं मंदिर के बारे में कम बात करूँगा. ओके, सो गाइज, दिस इज़ अ मंदिर. यहाँ लवी बात करेंगी कैसे बना, ये क्या हुआ, इसमें क्या क्या मटेरियल्स हमने यूज़ करे. तो स्पेशली हमने क्रिएट किया, दिस इज वी आर लाइक व्हाइल सिटिंग वी आर ईस्ट फेसिंग, और इस टाइप से मंदिर में प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए. फिर ये हुआ कि भाई कर्टेंस भी होने चाहिए कि जब भोग लगता है, और एक छोटी सी स्पेस होनी चाहिए जो कि कवर्ड है, कोई अंदर मेडिटेशन करना चाहता है, पूजा करना चाहता है. तो एक हमने वो बनाया स्लाइडिंग डोर, प्रॉपर डोर है मंदिर का जो हम बंद कर देते हैं दिन में या रात को बंद कर देते हैं. और यहाँ पे हमें स्टोरेज स्पेस भी चाहिए थी. मंदिर ऐसा होना चाहिए था कि बैठ के हम एक्सेसिबल हो, ठाकुर जी से आँखों में आँखें डाल के बात कर सकें. इस टाइप का मंदिर चाहिए था कि बैठ के हमेशा यहाँ पे आराम से तो फील फ्री रहें, और एक बड़ा सा उनको भी लगे कि हाँ हमारे लिए अच्छी खुली स्पेस है बैठने के लिए. तो हमने उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन करवाया. गाइस, इसमें मैं एक स्टोरी ज़रूर बताऊंगा, मुझे अच्छे से याद है लवी, इफ यू रिमेंबर, जब हम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे तो पहले यहाँ स्टेयर केस थी. हम पहले सोचे थे स्टेयर केस बनाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ टेरेस की तरफ स्टेयर केस निकालेंगे. और संदीप का हमेशा था कि मुझे भगवान जी को अपना आप बहुत बड़ा स्पेस देना है. तो ही इज़ ऑलवेज अवर प्रिंसिपल कि मेरे घर में मैं कुछ भी पैसा लगा रहा हूँ और मैं उतनी फैसिलिटीज़ ठाकुर जी को भी देना चाहता हूँ जितनी मैं अपने मास्टर बेडरूम में रखना चाहता हूँ. आई रिमेंबर एसी के ऊपर कितनी लंबी चौड़ी हमारा डिस्कशन हुआ. वहाँ पे वो है उनके लिए अलग से पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है ठाकुर जी के लिए. और अब स्पेस बन गई है. फिर ये था कि कर्टन कैसे बनेगा, कर्टन ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर कर्टन होना चाहिए. तो ऐसा नहीं कि बाहर कर्टन हो, अंदर उनके मंदिर में कर्टन होना चाहिए. तो ये हमने कर्टन बनाया. ये भी बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था. हम तीन तीन कर्टन्स के बारे में बात कर रहे थे. पहले दो तरफ से बंद हो रहा था, फिर एक और कर्टन आ रहा था, एंड देन ऊपर से कुछ और फॉल आ रहा था, एंड मंदिर की घंटियाँ. Yes. वो कैसे भूल सकते हैं. मंदिर की घंटियाँ आखिरी तक भी इट वॉज लाइक अच्छा कहाँ लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, ऑलरेडी इतना सारा कुछ लग रहा है, मंदिर लगाएं कि नहीं लगाएं, घंटी लगाएं कि नहीं लगाएं, सो मेनी थिंग्स वर गोइंग अराउंड. सो इसमें मैं थोड़ा बता दूं आपको, ये हमने ये एल्बेस्टर यूज़ किया है, दिस इज़ अ कॉम्पोजिट मार्बल विच यू यूज, ये लैमिनेट है, दिस इज़ अ डिको पेंट का हमने यहाँ पर एक फ्रेम बनाया और उसको यहाँ पर जाली का कटवाया, ये भी डिको पेंट में है. तो लॉट ऑफ मटीरियल्स वर यूज इन दिस सेम स्पेस टू गिव दैट लग्जरी फील विच वी ऑलवेज वॉन्टेड टू. और ये भी एक डोर है, ये भी जरूर प्रॉपर बंद कर देते हैं इधर से, एंड एक यहाँ पे प्रॉपर दरवाजा है. So guys, I hope you like the mandir which was designed by all of us. I will not say alone. बहुत मेहनत करी हम सब लोगों ने तब जाके मंदिर बना, एंड डेफिनेटली द एग्जीक्यूशन देन. सो थैंक यू सो मच. और बाकी अभी टूर बाकी है, बहुत सारा कुछ अभी पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्तों, तो देखना मत भूलो और छोड़ना नहीं. अभी बहुत सारा कुछ दिखाने वाला हूँ इस घर में जो हमने किया है. थैंक यू लवी.